रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद आबिश। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चिकन टिक्का रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी बनता है, और इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। और चलें शुरू करते हैं रेसिपी। हमने लिए हैं चिकन के 3 पीस लिए हैं, लेग पीस, उसे हमने अच्छे से डीप से कट लगा लेने हैं ताकि हमें नीचे से हड्डी नज़र आए इसकी। हमने तीनों पीसों को कट लगा लिया है, ये देखिए कुछ इस तरह से कट लगेगा। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे दूसरे बाउल में। एम्प्टी सा बाउल लिया, अब हम इसमें डाल देंगे अपने तीनों चिकन के लेग पीस। अब हम इसमें सिरका डालेंगे 3 से 4 चम्मच, बड़े खाने के चम्मच डालने हैं आपने। अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं, जो कि आपने डालना है हसबे जायका। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून डालना है आपने, छोटा चाय का चम्मच। पुदीना और धनिया वाला योगर्ट आपने इस्तेमाल करना है 3 से 4 चम्मच, बड़े खाने के। अब इसमें हम शान का चिकन टिक्का मसाला डालेंगे 2 टेबलस्पून, और लजीजा टिक्का मसाला डालेंगे ये भी हम 2 टेबलस्पून, क्योंकि ऑलरेडी नमक इसमें मौजूद होता है इसलिए मैंने पहले कम डाला था, आप भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब हमने इसमें डाला येलो फूड कलर, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे हम रख देंगे सारी रात के लिए फ्रिज में। ये हमने रख लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी, बनाते हैं। ये कोयलों को मैंने आग लगा ली है, अब इसे पकने के लिए कोयलों को छोड़ देंगे। ये देखिए, ये वाइट वाइट से हो गए हैं कोयले, ये मेरे पौधे हैं। अब हम इस पे जाली रखेंगे और चिकन के पीसेस को इसके ऊपर रखेंगे। अब हम इसके ऊपर आयल लगा लेंगे ताकि ये जले ना नीचे से। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। अब हम इसके ऊपर भी आयल लगा लेंगे अच्छे तरीके से। इसके ऊपर भी आपने ऑयल लगा लेना है। फिर से हम इसकी साइड चेंज करेंगे। 5 मिनट्स के बाद इसकी साइड चेंज करनी होती है। वाओ, माशाल्लाह से एक साइड हमारी पक चुकी है, अब दूसरी साइड भी हम इसे पका लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, टेस्टी। ये अब तैयार हैं सर्व होने के लिए। अभी इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं।
ये इसकी फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी मेरी रेसिपी। ओके, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।